आप कहाँ से आई हैं? हरदोई। आप यहाँ एक महीने गंगा जी के पास तट पे रहती हैं, कैसे कल्पवास करती हैं, क्या रूटीन लाइफ में रहता है थोड़ा बताएं। सुबह उठती है, अपने घर का काम यहाँ झोपड़ी पे का काम सब निपटाती थी, उसके बाद अपने नहाने धोने जाती, वहीं नहाती हैं, नहा के फिर पूजा पाठ करती वहाँ गंगा जी के तट पे, और फिर उसके बाद घर पे करते हैं पूजा, फिर चाय पानी नाश्ता वो भी करते हैं, खाना पीना वो भी बनाते हैं, और बनाने के बाद फिर अपना टाइम निकालते हैं, थोड़ा कथा पंडाल में बैठते हैं, फिर शाम को फिर आरती में जाते हैं 5:30-6:30, फिर वहाँ से आते हैं तो खाना पकाना करते हैं। तो यही एक महीने चलता रहता हाँ। है। क्या नाम है आपका? शशि वाजपेयी। कहाँ से आई हैं आप? आप एक महीने गंगा जी मैया के तट पर कल्पवास करती हैं, कैसे करती हैं, क्या रूटीन लाइफ में रहता है बताएं थोड़ा डिटेल में। सुबह उठ के सुबह उठती हैं, झाड़ू वाड़ू लगाती हैं, उसके बाद घर पे अपने प्रभात में तैयार होती हूँ, उसके बाद में जाती है, इसके बाद तट पर गंगा जी पर जाती हूँ, वहाँ नहाती हूँ, नहाने के बाद में फिर पूजा करती हूँ, पूजा करने के बाद में आरती आरती करती हूँ, फिर घर पे आती हूँ, घर पे आने के बाद फिर भगवान मतलब नहाती हूँ, फिर माला करती हूँ, पूजा करती हूँ, आरती करती हूँ, उसके बाद में चाय बनाती हूँ। तो उसके बाद ये दोपहर का समय कैसे क्या करती हैं उस दोपहर में? दोपहर के समय में मतलब सारा काम कर करा के फिर बाद में जो तो कथा यहाँ होती है पंडालों में वहाँ जा रहे तो कथा सुनती हूँ, उसे समय के 4 बजे बाद मतलब कथा समाप्त हो जाती है, फिर यहाँ आती हूँ, तो वहाँ जा के फिर आरती करती हूँ, 5:30 बजे वहाँ तट पे जाती हूँ गंगा जी के, वहाँ आरती करती हूँ, आरती करने के बाद मैं घर पे आरती करती है रावटी में, और उसके बाद में फिर खाना पीना किया, फिर बाद में घर पे माला करती हूँ, अपने कीर्तन किए। मेरा नाम शिव स्वरूप बच्चा स्वामी। ये मेला रामनगरिया लगता है कि इसका मतलब जो है कब से शुभारंभ हुआ, और आपके जो है कौन गुरु रहे जिनके द्वारा लगवाया गया, और आप जो है कब से कल्पवास कर रहे हैं? हमारे दादा गुरु जी थे, उनका नाम था स्वामी श्यामानंद जी, परमहंस थे, विद्युत सन्यासी परमहंस स्वामी जी थे, उनका नाम था स्वामी श्यामानंद। उन्होंने रामनगरिया आज से लगभग 90 साल पहले लगवाई थी। उनका समाधि स्थल राजेपुर में है, राजेपुर में हमने आश्रम भी बनवा दिया, तो राजेपुर के जो लोग 90-90, 100-100 साल के हमें बता रहे थे हमको कि स्वामी जी वहाँ से क्षेत्र के लोगों को, राजेपुर से लोगों को ला करके और यहाँ रावटियाँ लगवाया करते थे, और रात में भाला लेके वे ड्यूटी किया करते थे। तो मेला स्वामी श्यामानंद जी ने लगाया था, उसके बाद स्वामी श्यामानंद जी गुजर गए, काफ़ी मेला जब लगने लगा तो कुछ व्यवस्थाएं अधूरी रह गई थी, तो उनके लिए स्वामी श्यामानंद के जो शिष्य थे स्वामी अनुभवानंद उर्फ बच्चा स्वामी, उनका नाम था बच्चा स्वामी, फिर वो बच्चा स्वामी नाम से पूरा मेला लगने लगा, काफी विस्तार बढ़ा, कुछ त्रुटियां रही तो उनको बच्चा स्वामी ने भी सुधारा और पूरी व्यवस्था की मेला की। फिर कुछ दिनों के बाद ये मेला शासन प्रशासन के हाथ में आ गया, और उसके बाद फिर मेला काफी बढ़ने लगा, काफी मेला बढ़ रहा है, अब बच्चा स्वामी रहे नहीं, बच्चा स्वामी की जगह पर हम हैं, हमारा नाम है शिव स्वरूप बच्चा स्वामी, हम तीसरी पीढ़ी पर हैं, तो हमारे जो दादा गुरु जी थे श्री श्री एक सयार श्री श्यामानंद जी, उन्होंने ही मेला लगवाया था। फिर बच्चा स्वामी ने काफी व्यवस्थाएं बढ़ाई, देखी और सबको सुख सुविधा दी, और काफी मतलब मेला अब बढ़ रहा है, बढ़ चढ़ के लग रहा है, अब व्यवस्था जो है अब शासन प्रशासन के हाथ में है। पहले से अब कैसी व्यवस्थाएं आपको दिख रही हैं? पहले से व्यवस्थाएं ठीक हैं, लेकिन पब्लिक के हिसाब से जितनी पब्लिक है उतनी मात्रा में व्यवस्थाएं नहीं, पब्लिक काफी है उस हिसाब से व्यवस्थाएं बहुत कम है, जबकि मेले की आय तो बहुत अधिक है, मेले के काफी कुछ मतलब जो है कि आय हो रही है, वर्ष बढ़ता है, इस वर्ष तो हर साल से बहुत अधिक मेला है, लेकिन व्यवस्थाएं जो हैं वो जितनी हर साल देते उतनी ही। अब इस साल हम अपने क्षेत्र में बताते हैं 70 नल लगते हैं,
हर साल हमारे पास हर साल का रजिस्टर रखा है और इस साल हमारे मात्र 30 नल लगे हुए और राउटियां हमारे यहाँ पिछले साल ने गणना कराई थी 3000 राउटियां थी, इस साल हमारे यहाँ 35000 राउटियां है। कल्पवास का जो है माघ महीने का फल दान पुण्य करने का, संतों के द्वारा समाज को धर्म का संदेश जाता है, भजन कीर्तन संकीर्तन रामायण पाठ भागवत ज्ञान अर्जित इसमें किया जाता है। संत लोग सवेरे से साधना है तो गृहस्थों को भी बैराग होता है, वृद्ध लोग होते हैं उनके ऊपर संन्यास होता है 50 साल के बाद, उनकी भी पूरी मनोकामना पूर्ण करने के लिए गंगा किनारे रहा जाता है। कल्पवास का मतलब जो है काया को 1 महीने कल्प करना, जो 11 महीने हम काम करते हैं, खान पियान है या कोई भी जूता चप्पल पहनते हैं या कोई वस्त्र पहनते हैं, तो उसमें से भी अगर कोई एक वस्तु का त्याग कर दिया तो वो भी कल्पवास में है। गंगा किनारे रहकर कोई गलत नीतियों का त्याग करना, अच्छी नीतियों को डालना, समाज को अच्छे संदेश देना। न माँ गंगा हिंदू की है, न मुसलमान की, न सिख की, न ईसाई की, माँ गंगा सबकी है, सभी लोग इस तीर्थ में आते हैं। और मैं भी चौथी बार इस रामनगरिया में आया हूँ।